गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हेमंत मीणा, हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला पर आपका वेलकम करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे एप्पल को। पिछली क्लास में अपने गुआवा और लीची के बारे में पढ़ लिया था, आज अपन पढ़ेंगे एप्पल के बारे में। एप्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेम। ठीक है, एप्पल के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, बोटनिकल नेम क्या है सबसे पहले देखेंगे। बोटनिकल नेम है मेलस डोमेस्टिका। बोटनिकल नेम हो गया। फैमिली कौन सी है? फैमिली है एप्पल की रोजेसी। फैमिली कौन सी है? रोजेसी। फैमिली है रोजेसी। ठीक है, फैमिली रोजेसी। अब एक वाइन तैयार होती है इसकी, सिडार। क्या है? सिडार वाइन का नाम है। क्या है? वाइन का नाम है। फर्मेंटेड वाइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम एप्पल, जो कि एप्पल से तैयार की जाती है। सिडार एक वाइन का नाम है जो एप्पल से तैयार की जाती है। किससे तैयार की जाती है? एप्पल से तैयार की जाती है। ठीक, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? क्रोमोसोम नंबर यहां लिख देता हूं, 2n बराबर 34। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओरिजिन कहां है इसका? ओरिजिन है साउथ वेस्टर्न एशिया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बॉटनिकल नाम मेलस डोमेस्टिका, फैमिली रोजेसी, क्रोमोसोम नंबर 2n 34। ठीक है, सिडार एक वाइन का नाम है जो किससे प्रिपेयर्ड होती है? एप्पल से प्रिपेयर्ड होती है। ओरिजिन प्लेस क्या है? साउथ वेस्टर्न एशिया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। एप्पल को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, टेम्परेट फलों का राजा, शीतोष्ण फलों का राजा, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, शीतोष्ण फलों का राजा। ठीक है, और भी बोलते हैं सिंबल ऑफ हेल्थ। इसको कैसे याद रखोगे? इसको ऐसे याद रखना जैसे कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए हम क्या सेव लेके जाते हैं, सिंबल ऑफ हेल्थ, इसीलिए लिया जाते हैं। हेल्थ का सिंबल है। और प्रीमियर फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड। ये तीन नाम है इसके, क्या क्या? किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, शीतोष्ण फलों का राजा, सिंबल ऑफ हेल्थ, प्रीमियर फ्रूट ऑफ वर्ल्ड, ये एप्पल को बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, पीएच कितना चाहिए? स्लाइटली एसिडिक पीएच इसके लिए अच्छा माना जाता है। एसिडिक पीएच कितना? पीएच स्लाइटली एसिडिक 6.5 से 6.7। ये पीएच एप्पल के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे अपन यहां कवर करेंगे। ठीक है, मोस्ट वाइडली ग्रोन, टेम्परेट फ्रूट इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला टेम्परेट फ्रूट है एप्पल। टेम्परेट फलों में सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला फ्रूट है एप्पल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ड्राई टेम्परेट रीजन, इज मोस्ट सूटेबल फॉर एप्पल कल्टीवेशन। ड्राई टेम्परेट रीजन सबसे ज्यादा सूटेबल है एप्पल की कल्टीवेशन के लिए। मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को रोककर भी आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नोट डाउन नहीं कर पाते साथ साथ, तो वीडियो को रोककर आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो को रोकर आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, मैं ये मिटा रहा हूँ और आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे अपने एप्पल के बारे में। जितना भी मैं हॉर्टिकल्चर में पढ़ा रहा हूँ, हॉर्टिकल्चर नहीं, सभी जितने भी सब्जेक्ट मैंने अभी तक पढ़ाए हैं सोयल साइंस मनीषा मैम के द्वारा पढ़ाए गए हैं, और जल्दी वो आपको एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगी। मनीषा मैम के द्वारा एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया जाएगा, एग्रोनॉमी, जनरल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, अभी आपका ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा हो गया है, मतलब ये मान सकते हैं 60% आपका हॉर्टिकल्चर कंप्लीट हो गया, बाकी बचा हुआ अपन जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है फ्रेंड, बाकी बचा हुआ अपन जल्दी कंप्लीट करेंगे। और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एप्पल बाउल ऑफ इंडिया, एप्पल बाउल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, सेव का कटोरा किसको बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश, जैसे धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोला जाता है वैसे हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है एप्पल बाउल ऑफ इंडिया, सेब का कटोरा बोला जाता है इंडिया में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वार्म डे विद 12 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दिन में 12 से 15 डिग्री टेम्परेचर एंड कूल नाइट 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर लार्ज क्वांटिटी एप्पल प्रोडक्शन के लिए दिन का टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री सेल्सियस और रात का टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री सेल्सियस अच्छा माना जाता है उसके प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। आइडियल टेम्परेचर फॉर ग्रोइंग सीजन के लिए आदर्श टेम्परेचर क्या है, 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है, 21 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अच्छा माना जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अमंग द फ्रूट्स, सभी फ्रूट्स के अंतर्गत एप्पल की स्टोरेज लाइफ सबसे ज्यादा होती है। अमंग द फ्रूट का मतलब हो गया सभी फ्रूटों में, अमंग द फ्रूट्स एप्पल हैव लॉन्ग स्टोरेज लाइफ क्या होता है, सभी फ्रूटों में एप्पल की स्टोरेज लाइफ लंबी होती है, ज्यादा होती है। इसका फ्रूट का टाइप क्या है, पोम, टाइप ऑफ फ्रूट कौन सा टाइप का फ्रूट होता है एप्पल का, उसको बोलते हैं पोम, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ एक साथ टेबल बना के, लेकिन आप यहाँ भी याद रखना, टाइप ऑफ फ्रूट होता है इसका पोम। एडिबल पोर्शन होता है, क्या खाते हो एप्पल का, एडिबल पोर्शन मिजोगा या फिर फ्लेसी थैलेमस बोल दो क्वेश्चन में मिजोगा एक ही चीज है, मिजोगा भी ऑप्शन में रह सकता है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडिबल पोर्शन खाए जाने वाला भाग कौन सा है, फ्लेसी थैलेमस या मिजोगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वैरायटी कौन कौन सी वैरायटी है एप्पल की वैरायटी रेड डेलिशियस, रेड डेलिशियस एप्पल की वैरायटी है, गोल्डन डेलिशियस लाल अंबरी मेकलन टोस, ये एप्पल की वैरायटी है, रेड डेलिशियस, गोल्डन डेलिशियस, लाल अंबरी और मेकलन टोस,
ठीक है, ये एप्पल की वैरायटी है, ठीक है। और रेड डेलिशियस जो है, रेड डेलिशियस मोस्ट पॉपुलर वैरायटी इंडिया में, रेड डेलिशियस मोस्ट पॉपुलर, सबसे फेमस वैरायटी है रेड डेलिशियस एप्पल की, रेड डेलिशियस मोस्ट पॉपुलर वैरायटी इन इंडिया, इंडिया के अंतर्गत भारत में सबसे फेमस वैरायटी है, पॉपुलर वैरायटी रेड डिलीशियस, ठीक है। अमरी, जो लाल अमरी या फिर अमरी बोल दो, अमरी वैरायटी है, उसके कुछ फंक्शन है, क्या है, लॉन्गेस्ट शेल्फ लाइफ है, लॉन्गेस्ट शेल्फ लाइफ, लॉन्गेस्ट शेल्फ लाइफ है उसकी, और इंडिजिनस वैरायटी इंडिया की, इंडिजिनस वेराइटी इन इंडिया, इन इंडिया, इतना आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अमरी वेराइटी लॉन्ग सेल्फ लाइफ है, लॉन्गेस्ट सेल्फ लाइफ है, इंडिजिनस वेराइटी इंडिया की, रेड डेलिशियस मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है इंडिया की। ऊपर क्या देख लिया आपने, एप्पल बाल ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश को बोलते हैं। वार्म डे विद 12 से, दिन का टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री सेल्सियस, और नाइट का टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री सेल्सियस फेवरेबल है, किसके लिए, एप्पल के प्रोडक्शन के लिए। आइडियल टेम्परेचर ग्रोइंग सीजन के लिए कितना, 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। अमंग द फ्रूट एप्पल हैव लॉन्ग शेल्फ लाइफ, स्टोरेज स्टोरेज की लाइफ सबसे ज्यादा है एप्पल की। टाइप ऑफ फ्रूट पॉम होता है, एडिबल पोर्शन को फ्लेशी थैलेमस बोलते हैं। ये वेरायटी है, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। अगर आप साथ साथ नोट डाउन नहीं कर पाते तो वीडियो को रोक करके आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो को रोककर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं एप्पल के बारे में, आगे देखते हैं, आपको साथ साथ पढ़ते जाना है और साथ साथ इनको याद भी करते जाना है, इकट्ठा नहीं करना कि वीडियो देख लिया और रह गए, साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलिए, इससे आपको क्या फायदा है, रिविजन के टाइम पे आप बहुत जल्दी इसको कवर कर लोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो साथ साथ पढ़ते चलिए, वैकेंसी अच्छी है, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, और आपको भी पता है बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं डॉर्टिंग रूट स्टॉक, डॉर्टिंग रूट स्टॉक, डॉर्टिंग रूट स्टॉक कौन कौन से हैं एप्पल के, M9, M27, M9, M27, M4, M4 हो गया, M26 और MM106, MM106 ये इसके डॉर्टिंग रूट स्टॉक है। M9, M27, M4, M26, M106 ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। कॉमन मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, कॉमन मेथड्स ऑफ प्रोपेगेशन, एप्पल के प्रोपेगेशन की कॉमन मेथड कौन सी है, कॉमन मेथड ऑफ प्रोपेगेशन कौन सी, स्टूलिंग है और माउंड लेयरिंग, माउंड लेयरिंग आपको ये ध्यान रखना है। मोस्ट कॉमन मेथड कौन सी इसके प्रोपोगेशन की, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मोस्ट कॉमन मेथड कौन सी, स्टूलिंग और माउंड लेयरिंग, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट क्रिटिकल पीरियड, मोस्ट क्रिटिकल पीरियड फॉर वाटर रिक्वायरमेंट, मोस्ट क्रिटिकल पीरियड फॉर वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट इन एप्पल कौन सा है, अप्रैल टू अगस्त, अप्रैल टू अगस्त, क्या मतलब हुआ, क्रिटिकल पीरियड है वाटर रिक्वायरमेंट के, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, मोस्ट क्रिटिकल पीरियड फॉर वाटर रिक्वायरमेंट एप्पल में कितना है, अप्रैल टू अगस्त, ये टाइम इसके मोस्ट क्रिटिकल है वाटर रिक्वायरमेंट के लिए, ये आपको ध्यान रखना है।
मोस्ट कॉमन मेथड कौन सी है प्लांटिंग की, प्लांटिंग सिस्टम की, स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम इसके लिए मोस्ट कॉमन मेथड है। मेजर प्रॉब्लम क्या है एप्पल की, अल्टरनेट बेयरिंग। अल्टरनेट बेयरिंग, अल्टरनेट बेयरिंग का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब एक दिन छोड़ के, जैसे आप आज क्लास ले रहे हो कल ना लो परसों फिर क्लास लो, ऐसे एक दिन छोड़ के मतलब एक साल छोड़ के इसमें फल आते हैं, ये इसकी मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, एप्पल क्या है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होते हैं, अनक्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होते हैं। ठीक है, उनकी एक लिस्ट भी वहां पे बनवाई थी। तो एप्पल क्या है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। हार्वेस्टिंग टाइम सितंबर से दिसंबर है। फ्रूट मैच्योर विद इन 130 से 150 डे आफ्टर फुल ब्लूम स्टेज। कितने दिनों में मैच्योर हो जाते हैं, कितने दिनों में, 130 से 150 दिन बाद, फुल आफ्टर फुल ब्लूम स्टेज के बाद में 130 से 50 दिन में मैच्योर हो जाते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ लिया है, अपन ने पढ़ लिया है एप्पल अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे बेर के बारे में। ठीक है, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं और वीडियो को रोककर भी आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे बेर के बारे में। एप्पल को अपन ने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे बेर के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेर के बारे में, बेर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका बोटनिकल नेम देखेंगे, बोटनिकल नेम, बोटनिकल नेम, बेर का बोटनिकल नेम क्या, बेर का बोटनिकल नेम है जिजिबस जुजुबा, जिजिबस जुजुबा और जिजिबस मोरिटियाना, जिजिबस मोरिटियाना और जिजिबस जुजुबा, जिजिबस जुजुबा, ये बेर के बोटनिकल नेम है, जिजिबस मोरिटियाना, जिजिबस जुजुबा। ठीक है, फैमिली कौन सी है, फैमिली रहमानेसी। बेर की फैमिली कौन सी, रहमानेसी, रहमानेसी फैमिली के अंतर्गत आता है बेर। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 48, 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं बेर में। ओरिजिन कहाँ है, इंडिया। ओरिजिन कहाँ है, उत्पत्ति स्थान कहाँ है इसका, इंडिया या इंडो चाइना, इंडो चाइना, क्योंकि जो जिजिबस मोरिटियाना जो वैरायटी है वो चाइना की है और जुजुबा इंडिया की है, तो इंडिया या फिर इंडो चाइना दोनों इसका उत्पत्ति स्थान है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हार्डी, हार्डी साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है, साल्ट टॉलरेंट, हार्डी साल्ट टॉलरेंट, टॉलरेंट क्रॉप है, मतलब क्या है, साल्ट को टॉलरेंट करती है, बहुत ज्यादा साल्ट को टॉलरेंट करती है। ठीक है, आइडियल ट्री, आइडियल ट्री फॉर एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, एरिड सेमी एरिड रीजन के लिए आदर्श पेड़ माना जाता है, आदर्श फ्रूट माना जाता है एरिड और सेमी एरिड रीजन के लिए। ठीक है, इंडियन बेर, इंडियन, इंडियन का जो बेर होता है जिजिबस जुजुबा, इंडियन बेर ट्रॉपिकल, क्लाइमेट कौन सी होती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन, इंडियन जो बेर है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करता है, इंडियन बेर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करता है। चाइनीज बेर, चाइनीज बेर, चाइनीज जो बेर होता है टेम्परेट रीजन में ग्रो करता है, टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट रीजन में ग्रो करता है, ये आपको ध्यान रखना है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ऐसे नोट डाउन करते जाना है और इनको याद करते जाना है। ठीक है, इट कैन टॉलरेट, मैंने बोला था साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है, इट कैन टॉलरेट ए हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है बेर,
क्योंकि एरिड और सेमी एरिड रीजन में उगाया जाता है, तो वहाँ टेम्परेचर वैसे ही हाई होता है। इट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर ऑफ इवन 40 डिग्री सेल्सियस, कोई भी फ्रूट नहीं कर सकता, वो बेर कर सकता है, 40 डिग्री सेल्सियस तक टॉलरेट कर सकता है। और इट कैन बी ग्रोन, इट कैन बी ग्रोन एक्सट्रीम मॉइस्चर, एक्सट्रीम मॉइस्चर स्टेज, जहां पर मॉइस्चर की कमी होती है वहां भी इसको उगाया जा सकता है। ठीक है, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए और मैं अपन आगे बढ़ेंगे, फिर साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को रोककर भी आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नो डाउट, वीडियो को रोककर भी आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया हो तो वीडियो को रोक कर आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। आगे देखते हैं बेर के बारे में, पपाया वो एप्पल अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, मेजर फ्रूट अपन चल रहे हैं, मेजर फ्रूट आपने दो तीन और बचे हैं, उसके बाद में छोटे छोटे कुछ एक दो फ्रूट की डिटेल जाननी है, उसमें अपना दो या तीन क्लास में अपना पोमोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन वेजिटेबल के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन वेजिटेबल के बारे में पढ़ेंगे। इन अल्कलाइन सोइल, अल्कलाइन सोइल, इन अल्कलाइन सोइल विथ पीएच इवन अप टू 9.5 पीएच तक भी ये ग्रो कर सकता है। एंड सोडिक सोइल, अल्कलाइन सोइल में 9.5 पीएच तक और सोडिक सोइल में भी ग्रो कर सकता है, इसलिए इसको हार्डी क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके फ्लोर का कलर कौन सा होता है? बेर के फ्लोर आप लोगों ने देखे होंगे किस कलर के होते हैं, फ्लोर कलर किस कलर के होते हैं बेर के फ्लोर? ग्रीनिश टू येलो। किस कलर के होते हैं? ग्रीनिश टू येलो, ग्रीनिश टू येलो कलर के होते हैं, हरे हरे पीले पीले से होते हैं, ग्रीनिश टू येलो कलर के होते हैं, ये आपको याद रखना है। सीड डोरमेंसी, इसके सीड में डोरमेंसी होती है, सीड डोरमेंसी किसके कारण होती है? ड्यू टू हार्ड एंडोकार्प, इसकी जो गुठली होती है वो हार्ड होती है, कभी कभी दांत भी टूट जाते हैं लोगों को उसको चबाने में, गुठली चबा जाता है। सीड डोरमेंसी किसके कारण होती है? हार्ड एंडोकार्प के कारण होती है, हार्ड एंडोकार्प के कारण होती है। कमर्शियली किससे प्रोपगेशन होता है बेर का? मैंने आपको प्रोपगेशन मेथड में पढ़ाया था, कमर्शियली प्रोपगेटेड बेर किससे प्रोपगेट होता है आप लोगों को याद होगा अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो। ठीक है, टी और सिल्ड बडिंग से, टी और सिल्ड बडिंग बेर में क्या चलती है? टी और सिल्ड बडिंग चलती है, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, सीड डोरमेंसी किसके कारण होती है? हार्ट एंडोकार्प के कारण, किसमें? बेर में, ये अपन बेर देख रहे थे, बेर में सीड डोरमेंसी किसके कारण होती है? हार्ट एंडोकार्प के कारण। बेर का जो गुठली होती है इतनी कड़क होती है कभी कभी उसको अपन चबा जाते तो अपने दांत भी टूट सकते हैं। ठीक है, कमर्शियली किससे प्रोपोगेशन होता है? टी और सिल्ड बडिंग से, टी बडिंग और सिल्ड बडिंग। बेस्ट टाइम फॉर प्लांटिंग, कौन सा बेस्ट टाइम उसकी प्लांटिंग के लिए? जुलाई से सितंबर। टाइप ऑफ ट्रेनिंग, कौन सी ट्रेनिंग होती है? मॉडिफाइड लीडर सिस्टम बेर में किया जाता है। प्रूनिंग का टाइम क्या है नॉर्थ इंडिया में? मिड मई से एंड ऑफ मई, मतलब मई के बीच से लास्ट ऑफ मई तक। बेस्ट टाइम फॉर बडिंग, बडिंग के लिए बेस्ट टाइम क्या है? जून टू अगस्त, जून से अगस्त तक बडिंग के लिए बेस्ट टाइम है। स्पेसिंग कितनी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए? 5x5 मीटर। लो रेनफॉल एरिया है वहां पे 6x6 मीटर और हाई रेनफॉल एरिया है वहां 8x8 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। बेर अपना कंप्लीट हो गया, बेर अपना कंप्लीट हो गया, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। आगे अपन आंवला के बारे में पढ़ेंगे, आगे अपन आंवला को देखेंगे, आगे अपन क्या देखने वाले? आंवला को देखने वाले। वीडियो को रोककर आप इसको नोट डाउन कर लेना। अब हम पढ़ेंगे आंवला के बारे में, आंवला के बारे में पढ़ेंगे।
इसके बाद में अपने एक या दो क्लास में अपना पोमोलॉजी खत्म हो जाएगा, फल विज्ञान खत्म हो जाएगा, फिर अपन वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग इसको नोट डाउन करते जाना और साथ साथ अच्छे से पढ़ते जाना, ठीक है। अब देखते हैं आंवला के बारे में। आंवला, हिंदी में भी इसको आंवला ही बोलते हैं। आंवला बॉटनिकल नेम क्या है आंवले का? बॉटनिकल नेम है, इम्बलिका। इम्बलिका ऑफिसिनेलिस, ऑफिसिनेलिस, इम्बलिका ऑफिसिनेलिस, इम्बलिका ऑफिसिनेलिस। फैमिली कौन सी? यूफोरबियासी। आंवला की फैमिली पूछ ली जाती है, ध्यान रखना, यूफोरबियासी, यूफोरबियासी, यूफोरबियासी फैमिली के अंतर्गत आता है। क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 28। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 28, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओरिजिन प्लेस कितना, कहाँ है आंवले का उत्पत्ति स्थान? ओरिजिन प्लेस इंडिया, आंवले का उत्पत्ति स्थान का इंडिया में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। इंडिया या सेंट्रल या साउदर्न इंडिया, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आंवले के बारे में। आंवले को बोला जाता है फ्रूट ऑफ द 21वीं सेंचुरी, फ्रूट ऑफ द 21 सेंचुरी, 21वीं सदी का फल बोला जाता है। 21वीं सदी का फल आंवले क्या बोला जाता है? फ्रूट ऑफ द 21वीं सेंचुरी, ठीक है। और क्या बोलते हैं? इंडियन गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी, या फिर अमृत फल, अमृत फल फ्रूट, इतने नाम है आंवला के। क्या क्या बोला जाता है आंवला को? फ्रूट ऑफ 21वीं सेंचुरी, 21वीं सदी का फल, इंडियन गूसबेरी, अमृत फल फ्रूट, ये आंवला को बोला जाता है, ठीक है। आंवला क्या है? क्लाइमेट कौन सा है? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। आंवले के लिए कौन सी क्लाइमेट सही मानी जाती है? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सोइल कौन सी है? वेल ड्रेन्ड, वेल ड्रेन्ड का मतलब जहां जल भराव ना हो, वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल, लोमी सोइल, वेल ड्रेन लोमी सोइल इसके लिए अच्छी मानी जाती है, वेल ड्रेन लोमी सोइल, वेल ड्रेन लोमी सोइल, ये आपको याद रखना है। सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करते जाना है। दे आल्सो फेयरली, फेयरली का मतलब होता थोड़ा बहुत। दे आल्सो फेयरली टॉलरेट अल्कलिनिटी, अल्कलिनिटी, अल्कलिनिटी इन सोइल। कितने पीएच तक आंवले को उगाया जा सकता है? पीएच कितने तक उगाया जा सकता है? 8.5 पीएच, यहां तक आंवले को उगाया जा सकता है, 8.5 पीएच तक आंवले को उगाया जा सकता है। टाइप ऑफ फ्रूट कौन सा? आंवले का फ्रूट टाइप कौन सा है? टाइप ऑफ फ्रूट याद रखना है, कई बार एग्जाम पूछा गया है, कैप्सूल। इसके फ्रूट टाइप क्या है? कैप्सूल। आंवले का फ्रूट टाइप क्या है? कैप्सूल बोलते हैं उसमें, क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोला जाता है आंवले के फ्रूट टाइप, ठीक है। आप यहां आगे लिख देता इनफ्लोरेसेंस को, इनफ्लोरेसेंस। इसके पुष्पक्रम को क्या बोला जाता है? इसके पुष्पक्रम को बोला जाता है रेसिमोस, रेसी रेसिमोस। आंवले के पुष्पक्रम क्या बोलते हैं? रेसिमोस, ठीक है। क्या देख लिया अपने आंवले में? बॉटनिकल नेम देख लिया, इम्बलिका ऑफिसिनेलिस, फैमिली यूफोरबियासी, क्रोमोसोम नंबर 28, क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 28, 2n बराबर 28, ओरिजिन प्लेस इंडिया, फ्रूट ऑफ द 21वीं सेंचुरी, इंडियन गूसबेरी, अमृत फल, यह आंवला को बोला जाता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगाया जाता है।
ठीक है, वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल स्केल अच्छी मान जाती है, थोड़ा बहुत अल्कलिनिटी को टॉलरेंट करता है, कितना 8.5 pH तक। टाइप ऑफ फ्रूट क्या, इसके फ्रूट के टाइप कौन सा है, कैप्सूल बोला जाता है, इनफ्लोरेसेंस को रेसिमस बोला जाता है। आप इतना नोट डाउन कीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं, आंवला को अपन पढ़ रहे हैं, आगे देख लेते हैं। आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो को रखकर आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, आगे देख लेते हैं, पढ़ते जाइए साथ साथ में और अच्छे से याद करते जाइएगा। टेलीग्राम पे टेस्ट चल रहा है अपना, 6 बजे शाम में रोज होता है, उसको अटेंड कीजिएगा। टेस्ट देने से आपको अपनी स्थिति पता चलेगी। इसके इनफ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, नीचे आपको दिखा नहीं होगा, आंवले को इनफ्लोरेसेंस क्या बोलता है, रेसिमोस बोला जाता है। इसके इनफ्लोरेसेंस को रेसिमोस बोला जाता है। एडिबल पोर्शन क्या है, एडिबल पार्ट क्या है, एडिबल पोर्शन। इसके खाए जाने वाले भाग को क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं आंवले का, मीजोकार्प और एंडोकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प खाया जाने वाला भाग है, एडिबल पोर्शन है आंवले का। प्रोपगेशन की मेथड कौन सी, प्रोपगेशन की मेथड कौन सी, प्रोपगेशन मेथड आंवले की प्रोपगेशन मेथड कौन सी, पेच बडिंग, पेच बडिंग। आंवले में प्रोपगेशन किससे किया जाता है, पेच बडिंग के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोपगेशन की कौन सी मेथड यूज किया जाती है, पेच बडिंग का यूज किया जाता है, पेच बडिंग किया जाता है। ट्रेनिंग सिस्टम कौन सा है, ट्रेनिंग सिस्टम मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम का यूज किया जाता है। बडिंग का टाइम क्या है आंवले में, बडिंग का टाइम, बडिंग टाइम, बडिंग टाइम क्या है, मिड मई टू मिड अगस्त, मई के मध्य से लेकर अगस्त के मध्य तक बडिंग की जाती है। प्लांटिंग टाइम क्या है आंवले का, प्लांटिंग टाइम, प्लांटिंग टाइम फरवरी से लेकर मार्च तक, फरवरी मार्च में इसकी प्लांटिंग की जाती है आंवले की। कब प्लांटिंग की जाती है, फरवरी मार्च में इसकी प्लांटिंग की जाती है। फ्लोरिंग टू फ्रूटिंग, जब इसमें फ्लोरिंग आती है और फ्रूटिंग आती है, कितना टाइम लगता है फ्लोरिंग से फ्रूटिंग में, 8 मंथ, अप्रोक्स 8 मंथ, 8 महीने का टाइम लगता है फ्लोरिंग से फ्रूट आने में। जब फ्लोर आते हैं उससे लेकर फ्रूट आने में कितना टाइम लगता है, 8 महीने का टाइम लगता है। और देख लेते हैं आगे, इरिगेशन, इरिगेशन ड्यूरिंग अप्रैल जून, गर्मियों में अप्रैल से लेकर जून तक, इरिगेशन ड्यूरिंग अप्रैल टू जून, 1 in 15 days, 15 दिन में एक बार सिंचाई की जाती है, पानी लगाया जाता है, कब से, अप्रैल से जून के मध्य तक। इससे क्या होता है, फ्रूटिंग अच्छी होती है, ठीक है, फ्रूटिंग अच्छी होती है। एनुअल वाटर रिक्वायरमेंट कितना है, एनुअल वाटर रिक्वायरमेंट, एनुअल वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, 770 लीटर, 770 लीटर ये वार्षिक वाटर रिक्वायरमेंट है आंवले की, ये आपको ध्यान रखने। हार्वेस्टिंग का टाइम क्या है, हार्वेस्टिंग टाइम, आंवले को तोड़ने का टाइम जो हार्वेस्टिंग करते हैं उसका टाइम क्या है, दिसंबर टू जनवरी, दिसंबर से जनवरी इसका हार्वेस्टिंग टाइम है, ठीक है। कुछ पॉइंट यहां लिख देता हूं, इकोनॉमिक यील्ड
कितने साल तक रहता है? इकोनॉमिक यील्ड 4 से 5 ईयर ऑफ प्लांटिंग, 5 ईयर ऑफ प्लांटिंग, जब से पौधा लगाते हैं उससे 4 से 5 साल तक इसकी इकोनॉमिक यील्ड प्राप्त होती है, प्लांटिंग के 4 से 5 साल तक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एवरेज यील्ड कितनी है? एवरेज यील्ड 150 किलोग्राम पर प्लांट पर ईयर, 150 किलोग्राम पर प्लांट पर ईयर, इसकी पर प्लांट लिख दो या ट्री लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, एक ईयर में इसकी एवरेज यील्ड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ा आपने, एक बार मैं आपको बोल देता हूं, इनफ्लोरेसेंस किस टाइप का होता है, आंवले का रेसिमोस, एडिबल पोर्शन होता है उसको मीजोकार्प या फिर एंडोकार्प बोला जाता है, प्रोपगेशन की मेथड कौन सी है, आंवले की पेज बडिंग है, ट्रेनिंग सिस्टम कौन सा है, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, यही अपने बेर में था। बडिंग का टाइम क्या है, मिड मई से मध्य के मई से लेकर मध्य के अगस्त तक बडिंग का, प्लांटिंग का टाइम क्या है, फरवरी से लेकर मार्च में इसकी प्लांटिंग की जाती, फ्लोरिंग से फ्रूटिंग तक मतलब फूल आने से फल आने तक के बीच में कितना समय लगता है, 8 महीने का समय लगता है। इरिगेशन कब की जाती है, अप्रैल से जून के बीच में 15 दिन में एक बार सिंचाई की जाती है, जिससे क्या होता है फल अच्छे क्वालिटी के प्राप्त होते हैं। एनुअल वाटर रिक्वायरमेंट कितनी, 770 लीटर प्रति ट्री, ठीक है, प्रति ईयर। हार्वेस्टिंग टाइम दिसंबर टू जनवरी इसका हार्वेस्टिंग टाइम है। इकोनॉमिक यील्ड कितने साल तक प्राप्त होती है, प्लांटिंग के 4 से 5 साल तक, जैसे अपन ने आज पौधा लगाया तो आज से 4 से 5 साल तक उसकी अच्छी यील्ड इकोनॉमिक यील्ड प्राप्त होती है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी यील्ड डिक्रीज होने लगती है। एवरेज यील्ड कितनी है, 150 किलोग्राम प्रति ट्री प्रति ईयर, मतलब एक पेड़ से एक साल में 150 किलोग्राम फ्रूट प्राप्त होते हैं, ठीक है, आप इतना नोट डाउन कीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, उसके बाद अपन आगे देखेंगे, इसकी वैरायटियों को देखेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को रोककर भी आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो को रोककर आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। अब अपन आंवले की वैरायटी के बारे में देख लेते हैं, वैरायटी के बारे में देख लेते हैं, अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया हो तो वीडियो को रोककर आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, अब इसकी वैरायटी के बारे में देखेंगे। अब हम देख लेते हैं वैरायटी, आंवले की वैरायटी, वैरायटी के बारे में अपन देख लेते हैं, इसकी कौन कौन सी वैरायटी है, एक है बनारसी, बनारसी बनारसी वैरायटी है, इसके क्या फीचर है, एयरली मैच्योरिटी, एयरली मैच्योरिटी वैरायटी है, एयरली मैच्योरिटी और बेस्ट फॉर मुरब्बा, मुरब्बा आंवले का बाय प्रोडक्ट है और उसके लिए वैरायटी अच्छी मानी जाती है, बेस्ट फॉर मुरब्बा, ठीक है, बनारसी, बनारसी वैरायटी है किसके लिए, एयरली मैच्योरिटी और मुरब्बा के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है। कृष्णा, कृष्णा इसको बोला था NA5 भी बोला जाता है, कृष्णा जो वैरायटी इसको NA5 बोला जाता है, ये बिग फ्रूट वैरायटी है, इसके फ्रूट थोड़े बड़े होते हैं, बिग फ्रूट वैरायटी, इसके फ्रूट क्या होते हैं, बड़े होते हैं बाकी की तुलना में कृष्णा के, ठीक है। फ्रांसिस, फ्रांसिस इसको हाथी झूल बोला जाता है, फ्रांसिस वैरायटी को हाथी झूल भी बोलते हैं, हाथी झूल, हाथी झूल, हाथी झूल, फ्रांसी वैरायटी क्या बोला जाता है, हाथी झूल बोला जाता है, ठीक है। ये ससेप्टिबल होती है, हाईली हाईली ससेप्टिबल टू नेक्रोसिस डिसीज, नेक्रोसिस डिसीज के लिए हाईली ससेप्टिबल होती है, नेक्रोसिस डिसीज के लिए, और इसमें टीएसएस कितना होता है, टीएसएस जो होता है 12 वीक्स, 12 वीक्स,
बारह ब्रिक्स इसमें टीएसएस पाया जाता है हाथी जूलिया फ्रांसिस वेराइटी में। ये ससेप्टिबल होती है नेक्रोसिस के लिए, नेक्रोसिस डिसीज के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक है बलवंत, बलवंत इसको बोला जाता था NA10, बलवंत को NA10 बोला जाता है। आपको दोनों ही नाम याद रखना है, बलवंत भी और NA10 भी। ठीक है, इसके फ्रूट की स्किन जो होती है, फ्रूट स्किन येलोइश टू पिंक होती है, कुछ ग्रीन सी, ग्रीन से लेकर पिंक कलर की होती है इसकी, किसकी, फ्रूट की स्किन, बलवंत वेराइटी की, ये भी आपको याद रखना है। कंचन, कंचन वेराइटी, इसको NA4 बोला जाता है, NA4 बोला जाता है कंचन। रेगुलर बियरर वेराइटी है, मतलब इस वेराइटी में हर साल फल लगते हैं, रेगुलर बियरर वेराइटी है, रेगुलर बियरर वेराइटी। ठीक, कंचन हो गया। एक है NA6, NA6 का नाम से, ठीक है, कैंडी के लिए बेस्ट होती है, ये भी बाय प्रोडक्ट है आंवले का, मुरब्बा और कैंडी, बेस्ट फॉर कैंडी, कैंडी के लिए अच्छी होती है NA6, ये आपको ध्यान रखना है। एक है चकिया, चकिया आंवले की वेरायटी है, फेमस वेरायटी है, ये अल्टरनेट बियरर होती है, अल्टरनेट बियरर, इसमें एक साल फल लगते हैं और एक साल फल नहीं लगते हैं, ये अल्टरनेट बियरर होती है और आइडियल मानी जाती है फॉर मेकिंग पिकल्स, अचार के लिए, आंवले का अचार बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक, कौन सी वेरायटी, चकिया अल्टरनेट बियरर होती है। ये आंवले की वेरायटी पढ़ ली है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में अपन पोमोग्रेनेट को पढ़ेंगे, पोमोग्रेनेट को पढ़ेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को रोककर भी आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को रोककर आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। अब अपन पढ़ेंगे पोमोग्रेनेट के बारे में, पोमोग्रेनेट के बारे में, पोमोग्रेनेट के बारे में पढ़ेंगे, वीडियो को रोककर आप इसको नोट डाउन कर लेना। अब पढ़ेंगे पोमोग्रेनेट, हिंदी में उसको बोलते हैं अनानास, पोमोग्रेनेट के बारे में अपन पढ़ेंगे, पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट फिर इसके बाद में हम पाइनएप्पल पढ़ेंगे, पाइनएप्पल को बोला जाता है अनानास, पोमोग्रेनेट के बारे में पढ़ेंगे, पोमोग्रेनेट। ठीक है, पोमोग्रेनेट, ठीक है, आपको इसका बोटनिकल नाम क्या है, प्यूनिका ग्रेनेटा, बोटनिकल नेम, बोटनिकल नेम, बोटनिकल नेम क्या है, प्यूनिका ग्रेनेटम, प्यूनिका ग्रेनेटम, क्या बोटनिकल नेम है इसका, प्यूनिका ग्रेनेटम। ठीक है, फैमिली क्या है, प्यूनिकेसी, पोमोग्रेनेट की फैमिली क्या है, प्यूनिकेसी, प्यूनिकेसी, पोमोग्रेनेट की फैमिली क्या है, प्यूनिकेसी, प्यूनिकेसी, बोटनिकल नेम प्यूनिका ग्रेनेटम, प्यूनिका से फैमिली प्यूनिकेसी। ठीक है, प्यूनिकेसी फैमिली। ओरिजिन, इसका ओरिजिन क्या है, उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन कहाँ है, साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, कहाँ है, साउथ वेस्ट एशिया या फिर ईरान, ईरान। ठीक है, ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान कहाँ है, साउथ वेस्ट एशिया या फिर ईरान। बोटनिकल नेम प्यूनिका ग्रेनेटा, प्यूनिकेसी फैमिली। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसको बोला जाता है फ्रूट ऑफ पैराडाइज, याद रखना, फ्रूट ऑफ पैराडाइज, फ्रूट ऑफ पैराडाइज बोला जाता है, या फिर नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान, ईरान का राष्ट्रीय फल है, अपने देश का राष्ट्रीय फल क्या है, मैंगो। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया कौन सा है, मैंगो। नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान, पोमोग्रेनेट, नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान, पोमोग्रेनेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है फॉर प्रॉपर फ्रूट डेवलपमेंट, प्रॉपर फ्रूट का डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी,
स्वीटनेस कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है 35 से 38 डिग्री सेल्सियस। किसके लिए? प्रॉपर फ्रूट का फल का डेवलपमेंट के लिए, मेच्योरिटी के लिए और उसमें स्वीटनेस के लिए 35 से 38 डिग्री 35 to 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। पोमेग्रेनेट का जूस है किसके लिए यूजफुल है? लेप्रोसी डिसीज के लिए इज यूजफुल फॉर लेप्रोसी डिसीज। जिनको लेप्रोसी डिसीज हो जाती है उनके लिए पोमेग्रेनेट का जूस पिलाया जाता है, उनके लिए बहुत लाभदायक है। ये आपको याद रखना है, पोमेग्रेनेट जूस इज यूजफुल फॉर लेप्रोसी डिसीज। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। रेड कलर इन एरिल, इसके एरिल एंड स्किन, इसके स्किन का और इसके जो अंदर का भाग होता है एरिल, उसका रेड कलर किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन कारण। किसके कारण? ड्यू टू एंथोसाइनिन। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन के कारण होता है। ये आपको याद रखना है, एंथोसाइनिन के कारण इसका रेड कलर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपने नोट डाउन करते जा रहे होंगे। एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमेग्रेनेट। कहाँ है एनआरसी? कहाँ है पोमेग्रेनेट का? सोलापुर महाराष्ट्र में एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमेग्रेनेट सोलापुर महाराष्ट्र में। ये भी आपको याद रखना है। पोमेग्रेनेट में जो टेस्ट होता है किसके कारण होता है? इज ड्यू टू किसके कारण होता है? सिट्रिक एसिड के कारण पोमेग्रेनेट में टेस्ट आता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। पोमेग्रेनेट टेस्ट इज ड्यू टू साइट्रिक एसिड का, तो उसके कारण पोमेग्रेनेट का टेस्ट होता है। ठीक है, आप इतना नोट डाउन कीजिए, मैं साइड हो गया हूँ और वीडियो को रोककर भी आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए फ्रेंड, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को रोककर आप लोग नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं पोमेग्रेनेट के बारे में आगे देखते हैं। इसके बाद हम पाइनएप्पल अनानास को पढ़ेंगे। आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइए और उनको डेली के डेली आपको याद भी करना है, इकट्ठा नहीं करना है। इसका फ्रूट टाइप क्या होता है? फ्रूट टाइप बालुस्टा। इसके फ्रूट को क्या बोला जाता है? फ्रूट कौन से टाइप का होता है? बालुस्टा बोला जाता है। कोष्टक में फ्लेसी बेरी। ठीक है, बालुस्टा होता है और फ्लेसी बेरी बोलते हैं। इनफ्लोरेसेंस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस पुष्पकर्म क्या बोलता है? हाइपोन थेडियम टाइप। इसके पुष्पकर्म किस टाइप का होता है? हाइपोथोडियम टाइप का होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कॉमन मेथड प्रोपोगेशन की मेथड कौन सी है? कटिंग या फिर एयर लेयरिंग
कटिंग और एयर लेयरिंग दोनों ही कॉन्ग्रुएंट में चलती है। कौन कौन सी मेथड है? कटिंग और एयर लेयरिंग। आइडियल टाइम फॉर प्लांटिंग, प्लांटिंग का आदर्श समय क्या है? आइडियल टाइम फॉर प्लांटिंग, प्लांटिंग का आदर्श समय क्या है? जुलाई टू अगस्त, जुलाई टू अगस्त। एक बार बताऊं आपको, मोस्टली फ्लोम का प्लांटिंग टाइम क्या है, लगाने का टाइम बरसात वाला सीजन है, ठीक है, ये आपको ध्यान, लेकिन सभी का नहीं है, मोस्ट ऑफ फ्रूट का है, ठीक है फ्रेंड्स। मल्टी स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम, कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है? मल्टी स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम फॉलोड इन इंडिया, इन इंडिया, अपने इंडिया में कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है पोमोग्रेनेट ने? मल्टी स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम, मल्टी स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम। विल्ड टाइप जो जंगली अनार होता है, पोमोग्रेनेट को बोला जाता है अनार, जंगली अनार होता है, और पाइनएप्पल को बोला जाता है अनानास। विल्ड टाइप अनार, विल्ड टाइप जो अनार होता है, विल्ड टाइप अनार, उसको क्या बोलते हैं? इज नोन एज दारू, पीने वाली दारू नहीं, दारू, डी ए आर यू, दारू बोला जाता है, डी ए आर यू, दारू बोला जाता है, ये आपको याद करना है। तीन अलग अलग इसमें फ्लोरिंग सीजन होते हैं, जैसे गोवा में होते हैं,